हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करना है, किस क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ करने वाले हैं या शेयर के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस क्षेत्र में प्रयास करें कि आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आप किस अपने इष्ट की पूजा करें जिससे आपको सफलता मिले, विघ्न बाधाएं खत्म हो और सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट कार्य करेंगे या मल्टीनेशनल में काम करेंगे या मीडिया के क्षेत्र में कार्य करेंगे या न्यायिक फील्ड में काम करेंगे, सारी बातें भी आज हम आपको बताने वाले। आपको व्यवसाय सूट करेगा या कंस्ट्रक्शन का काम सूट करे, किस फील्ड में आप काम करें कि आपके लिए बेहतर हो, ये सब भी आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप शेयर में ट्रेडिंग में अगर कोई नया तरह का कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यदि आप मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आज आपका ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, आज आपका स्थलीय रूप से चेंज हो सकता है और आज आपकी पदोन्नत हो सकती है और आज आपके नौकरी में परिवर्तन से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके साथ जो कार्य करने वाले हैं उनके साथ आज आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सुख मिलेगा, अपने अंतरात्मा की इच्छा अंतरात्मा की आवाज पर कार्य करें और अपने ऊपर नियंत्रण करें। छोटी छोटी बात को लेकर के आपको गुस्सा आता है, उससे आपको बचने की जरूरत है। बेवजह वाद विवाद न करें, समय का सदुपयोग करें और आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है आप बहुत अच्छा समझते हैं, कई बार आप जानबूझ करके अनजान बने रहते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। साझेदारी में किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी अज्ञात महिला से किसी प्रकार का संबंध बनाने से बचने की जरूरत है। कोई महिला मित्र से आज आपको सावधानी बरतनी है। पुराना कोई मित्र मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका रुका हुआ धन मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। यदि आप शेयर में ट्रेडिंग में फाइनेंस में मैनेजमेंट के फील्ड में लॉ के फील्ड में अगर कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कहानी लिखना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, साहित्य का अभिरुचि के हैं, उस दिशा में आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रहे हैं। माली हालत आपकी काफी अच्छी होगी, तो देखा जाए तो कालखंड आपके लिए काफी बेहतरीन है। उस फील्ड में अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। संतान सुख मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलते हुए दिख रही, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए दिख रहा है। यदि कोर्ट कचहरी में न्यायालय में किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा, लिटिगेशन चल रहा होगा, तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है, लिटिगेशन से लाभ हो सकता है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी, सावधानी ये बरतनी कि उतावले पर में कोई कार्य न करे, अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है, उनको पंचमेवा का खीर अर्पित करना है, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 3 और शुभ रंग है 3। हरे कृष्ण।